We click on the subscribe button especially the bell on the right side otherwise you will miss the latest videos namaste sabhi जो YouTube एस्ट्रोलॉजी की चैनल है सप्तर्षि एस्ट्रोलॉजी में सबका स्वागत है आज आज हम जो साल भर की जो प्रिडिक्शन लोग करते हैं कि दुनिया में क्या लोगों पर असर होगा बारह राशियों पे क्या असर होगा क्यों होगा कैसे होगा बहुत लोग बताते रहते हैं तो वो चीज को हम कैसे देखे जो जनरल सब लोग देखते हैं कि ये राशि का ये ऐसा होगा ऐसा होगा तो रीजन क्या है देखने का और वो सब पे लागू होता है क्या कई लोग बोलते कि सबकी राशियां सेम रहती तो सब लागू होता है क्या ये बात सही है कि सभी की कुंडली अलग होती है राशि का जो असर होता है हमारे मन के ऊपर होता है तो रीजन कुछ भी हो सकता है लेकिन उसके अंदर जो इमोशनल जो चीजें होती है उनके अंदर बदल होती है वो जेनरिक सब पे असर होता है जैसे एक राशि को कहीं पे दुख होता है तो किसी का मैरिज रिलेटेड दुख, रहेगा, और किसी दुख रहेगा, किसी रहेगा किसी को प्रॉपर्टी दुख रहेगा साल, किसी को कैरियर रिलेटेड रहेगा या सब कुछ रहने के बाद भी मन में अशांति होती है रेस्पेक्ट के बारे में सोचा जाता है ग्रोथ के बारे में सोचा जाता है तो कॉमनली इस तरह की घटनाएं घटने लगती हैं जो एक राशि पे प्रति असर गिरता है क्योंकि लॉन्ग टाइम चलने वाले जो ग्रह होते हैं वो तो पूरे साल भर में राशियों को फर्क गिरता है जैसे हम देखने जाएंगे तो शनि है राहु है गुरु है ये तीन ऐसे बड़े है कि वो साल से ज्यादा उनका प्रभाव रहता है तो उनका असर अपने पे रहता है तो हम जो देख रहे हैं कि अभी मेष राशि का हम देख रहे हैं या कुछ राशि का भी देख रहे हैं तो हमको ये देखना है कि ये तीन ग्रह क्या काम कर रहे दशाएं उसको ज्यादा इंपैक्ट करेगी जब ये प्रभाव ज्यादा गिरेगा ये दशाएं ये राशियों के ऊपर प्रभाव ज्यादा गिरेगा साथ में दशाएं भी बिगड़ जाती है तो वो ज्यादा इंपैक्ट गिरेगा दशाएं नहीं गिरेगी तो इंपैक्ट नहीं गिरेगा लेकिन इंटरनल उसके अंदर वो थॉट प्रोसेसिंग रहता है सब कुछ रहने के बाद भी कहीं ना कहीं वो अनइजीनेस हेल्थ वाइज हो मेंटल स्ट्रेस वाइज हो इस सब बातों पर असर गिरता है हाँ वो किसी को स्टार्टिंग में देता है किसी को मिडल में देता है किसी को एंड में देता है डिपेंड ऑन नक्षत्रों के हिसाब से उसको अलग अलग राशि के हिसाब से फर्क आएगा तो हम सिंपल में हम वो ट्रिक समझाएंगे आपको कि कौन सी राशि को कैसे हमको ट्रिक से देखना है कि बुरा हो रहा है क्या तो हमारे जब राशि पे से राशि का मतलब क्या है हम स्टेशन बोलते हैं हर एक स्टेशन के पर ना अगर सिग्नल लगाए तो सबको रुकना पड़ता है और सिग्नल नहीं पाए तो ग्रीन सिग्नल है तो ग्रीन रेड सिग्नल तो रुकना पड़ता है ग्रीन सिग्नल तो जाना पड़ता है वैसे हर एक राशि को क्या है वो सिग्नल में कहीं पीछे रहता है कोई आगे रहता है तो वो डिपेंडेंट होता है तो अभी हमको देखने की मेष राशि का तो ये साल मेष राशि तो वालों को कैसे जाएगा अभी कॉमन लोग बोलेंगे कि मेष राशि का सब अच्छा है लेकिन मे तक ये तेईस अप्रैल तक जो है ना गुरु इसका है बारहवें घर में और राहु बैठा है लग्न में और शनि जा रहा है अभी सत्रह जनवरी को लाभ स्थान में तो मेष राशि का शनि तो फेवर कर रहा है लेकिन गुरु बल अभी तक नहीं है इसलिए वो बेचैन है उसको उसके हिसाब से काम नहीं हो रहे हैं अप्रैल तक फिर अप्रैल के बाद उसके अंदर आएगा गुरु का बल अच्छा तो उसके समय में अगर जो एजुकेशन कर रहा है अगर उसकी एजुकेशन रिलेटेड दशाएं चल रही है अगर उसका एजुकेशन खत्म भी एज आफ्टर एज भी आ रहा है तो भी उसको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा लेकिन ग्रोथ वाला कैरियर में भी ग्रोथ रहेगा उसका उसके इंस्टिट्यूशन और ज्यादा रहते हैं इनके उसके लिए बहुत ज्यादा चलता है और महेश राशि में गुरु बल आ गया शनि बल अच्छा है राहु भी लग्न में आ गया गुरु राहु का हुआ तो बहुत शार्प बन जाता है आदमी महिषाशला तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक मिनट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर उसकी दशाओं का फिर डिपेंड करता है कि क्या कैरियर में हो रहा लेकिन एक हम सिंपल वर्ड में बोलेंगे कि अप्रैल के बाद जो है ना हेल्थ इनका अच्छा रहेगा कैरियर भी ग्रोथ रहेगा और एजुकेशन भी बच्चा होगा लेकिन अप्रैल के पहले जो एग्जाम्स रहेंगे इनके ये बहुत ही टफ सिचुएशन जाएंगे जो लोग अंदाज में या एक ही बार पढ़ के निकालते हैं वो लोग सब पे बहुत इनका कम हो जाता है जो मेहनत एफोर्ट ज्यादा लगाने वाले तो उसका फल कम मिलता है ये महेश राशि का हम भविष्य बोल रहे क्योंकि इसमें इस में भी कैसा है में में जो अप्रैल का महीना है फर्स्ट अप्रैल का अगस्त का फर्स्ट वीक है या मार्च का जो अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है वो थोड़ा टफ जाएगा ये कैसे बता रहे हैं देखो हमारे कुंडली में क्या होता है कि गोचर जो होता है ना वो मन के ऊपर असर करता है मन की ताकत हमारे सूर्य और गुरु से होती है सबसे ज्यादा और शरीर की ताकत हमारे शनि से होती क्योंकि शनि से सेवक है गुरु हमारा मन कता और सूर्य क्यों है तो सूर्य जो है ना आत्मा कारक है और गुरु जो है ना गुरु क्यों बोला गया है गुरु यानी बड़ा बड़ा यानी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा जो देखा जाता है धनवान जो देखा जाता है सब गुरु से देखा जाता है जो अपॉर्चुनिटी देता है भाग्य का मालिक है गुरु देखा जाता है तो इसलिए गुरु को इंपॉर्टेंट देखा जाता है तो हम देख रहे कि यहाँ पे सूर्य जो है ना जब चौथी आठवें बारहवीं में जाएगा तो वहां पे तकलीफ आएगी छठे में आएगा तो हेल्थ इश्यूज आते हैं गोचर के अंदर अगर दशा खराब है तब वो वहां पर छठे में सूर्य जा रहा है या कोई और ग्रह जा रहा है गुरु बिगड़ने के बाद गोचर तो का गुरु बिगड़ा है तो गुरु चार आठ बारह में जा रहा है शनि चार आठ बारह में जा रहा है तो वहां पे आपको तकलीफ आएगी राहु जा रहा है तो ये साल किन 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 लोगों को ज्यादा तकलीफ होगी तो मेष राशि वालों को अप्रैल तक परिस्थिति खराब रहेगी अप्रैल के बाद सही जाएगा तो अप्रैल तक इनको सतर्क रहना है और अप्रैल के बाद इनको गेन मिलेगा बस मैं सिंपल समझा रहा हूँ भी बता दिया हूं। आप किसी को भी पकड़ो किसी को भी काउंट करके देखो आपके पास ये साल कौन लोग आएंगे क्या होता है कि राहु बारह में होता है लोग राहु बारह में बुरा बोलते हैं नहीं राहु बुरा उतना बुरा नहीं होता तो इतना उसका इफेक्ट नहीं गिरेगा लेकिन गुरु लाभ स्थान में है कब तक है वो अप्रैल तक है तो वृक्ष लोगों के लिए अप्रैल तक का समय अच्छा है और शनि भी दशम स्थान में, तो सुन के में चल रहे हैं फिर भी अच्छा है अप्रैल से लेकर अगस्त दिसंबर का जो समय ना गुरु गुरुबल वापस से भी हो जाता है तो यहाँ पे हाइयर कोई फाइनल डिसीजन जॉब चेंज करने का घर चेंज करने का घर बेचने का इस तरह के डिसीजन में लॉस या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसके लिए आपको इस तरह के कोई डिसीजन नहीं लेने हैं जिससे आपको आगे के जो साल है उसमें तकलीफ बढ़ सकती है लॉन्ग टाइम आपको तकलीफ बढ़ेगी तो वो ध्यान देना है ये क्यों बोला मैंने क्योंकि बुरुषा में गुरु लाभ स्थान में है अभी

क्या होगा कि शनि फ्लेक्चुअल करता है शनि रसवे घर का क्या करता है आदमी को थोड़ा ऊपर लेके जाता है फिर नीचे गिरता है ऊपर लेके जाता है फिर नीचे लेकिन फिर भी बेटर है क्योंकि दस सीढ़ी चढ़ के दो सीढ़ी उतरने से आठ सीढ़ी तो आप चढ़े हैं लेकिन लोगों को क्या लगता है हमने क्यों पीछे आ गए हैं ये बात होती है तो चीज को सोचना नहीं है थोड़ा पीछे भी जाएंगे फिर आगे जाएंगे तो ये परिस्थिति रहेगी शनि की इसके लिए आपको ध्यान देना है कि अप्रैल के बाद आप लोग ज्यादा सतर्क रहें ये मेरा कहना है अप्रैल के पहले गेन है लेकिन उस जोश में जाके आगे जाके ब्लॉक नहीं होना है ये सिस्टम को समझो आप यहाँ पे भी आपको कहाँ पे बचना है कि अगस्त का फर्स्ट वीक दिसंबर का फर्स्ट वीक और अप्रैल एप, का फर्स्ट वीक इन महीनों में आपको प्रॉब्लम आते हैं लेकिन आपका अप्रैल का फर्स्ट वीक में इतना असर नहीं गिरेगा क्योंकि गुरु अच्छा है लेकिन अगस्त और दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है उसमें आपको ध्यान रखो जनवरी का फर्स्ट सॉरी अगस्त और, और जनवरी का फर्स्ट वृषभ राशि के लिए देखेंगे मिथुन राशि में तो को गुरु अभी भी अच्छा है और अप्रैल के बाद भी अच्छा है ये मिथुन राशि के लिए भी बहुत बढ़िया हाँ शनि जो है ना अभी सत्रह जनवरी को बदल रहा है वो आठवें घर से सीधा जा रहा है भाग्य स्थान में तो वो भी अच्छा है साथ में मिथुन राशि के लिए राहु भी अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे इनको ये साल पूरा अच्छा जाएगा मिथुन राशि वालों के लिए हाँ, ये कि इनका क्या कि ये ये फास्ट करने की इनको आदत बढ़ानी पड़ेगी ये सोचने में इन, इन, लोगों को सोचने में ज्यादा समय जाता है क्योंकि मिथुन राशि जो है ना वो एक द्वि राशि है और द्वि में पहली नंबर पे आती है वो राशि इसलिए वो ज्यादा सोचते है जो पहला नंबर पे आता है वो ज्यादा सोचता है द्वि स्वभाव रहने से कभी वो पीछे का सोचेंगे कभी आगे का स्थिर भी रहेंगे फिर बाद में एक्टिव करेंगे क्योंकि पहले स्थिर राशि लागू होती है फिर बाद में एक्टिव होती है और में तो स्थिर हो जाना अच्छा नहीं गिना जाता कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता इनका। गर, है इनका बुध की ग्रह वो देखिएगा इधर होता इसके लिए हमको बोलने का है कि एप्लीकेशन पास करो अच्छा समय उसका पूरा फायदा ले लो चाहे एजुकेशन हो कैरियर हो मैरिज रिलेटेड हो एनी कंडीशन इस साल आपका बहुत अच्छा है देखो समय बहुत अच्छा भी रहेगा आपको समय के साथ में चलना होगा और समय का पूरा फायदा लेने लें आपको मैदान में उतरना पड़ता है समय अच्छा है मैं बैठे बैठे सब कुछ हो जाए ये गलत हो जाता है समय अच्छा है कि उस टाइम पे हम जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन गलत नहीं होंगे ये बात है अभी हम जाएंगे कर्क राशि की तरफ तो कर्क राशि की ऐसी तो छोटी पुनौती है बोलते हैं कॉमनली क्योंकि शनि अभी जा रहा है सत्रह जनवरी के बाद अष्टम में लेकिन गुरु बल कैसा है तो गुरु बल इसका कैसा है गुरु जो है ना वो बढ़िया है क्योंकि वो भाग्य स्थान में और राहु बैठा है दशम स्थान में राहु को दशम स्थान लाभ स्थान बहुत फलता है तो कर्क राशि वालों को इतना नेगेटिव असर नहीं आएगा लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने ही ए, सोच में डूबे रहेंगे इनको आलस नहीं आने देना चाहिए और इनके लिए जो है ना मंथ्स मैं फर्स्ट वीक का बोल रहा हूं कर्क राशि में जो है ना आप नवंबर का महीना उसके बाद आप मई जून का महीना और फ़रवरी का महीना इन फ़रवरी एंड और आ, आ, मार्च स्टार्टिंग इसमें दोनों में होता है क्योंकि ये कर कृषि वाले जरा एक्साइटेड रहते हैं तो एडवांस काम करते हैं तो इसलिए इनका पहला थोड़ा बिफोर आ जाता है तो यहाँ पे इनको सफलता मिलेगी लेकिन जल्दी नहीं मिलेगी थोड़ा जोर से और ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि कहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हमको वो देखना है जब हमारे पास यही लोग आएंगे हाँ ये लोगों की परिस्थिति इतनी खराब नहीं रहेगी क्योंकि उनको सपोर्ट में गुरबल मिलते रहेगा ये पक्का है हुँ? अभी हम सिंह राशि की तरफ जाएंगे सिंह राशि में क्या है कि गुरु बल वीक है अप्रैल तक इनको कोई भी डिसीजन अप्रैल तक फाइनल डिसीजन तक नहीं जाना चाहिए किसी को भी एडवाइस दो या कुछ डिसीजन लेना है सोच समझ के करें गुरु आठवें में शनि सातवें में है तो कुछ भी नेगेटिव हो सकता है उस टाइम पे ऐसे भी इनका थोड़ा सा कैल्शियम से रिलेटेड इनके प्रॉब्लम आते रहते हैं सिंह राशि को तो उससे रिलेटेड इनको थोड़ा ध्यान देना है और राहु इनका भाग्यस्थान में बैठा है तो राहु भाग्यस्थान में बैठने से आ, जो भगवान का जो रोज की आध्यात्मिक प्रगति होती है ना वहाँ पे कहीं ना कहीं रुकावट होने के चांस रहते हैं तो उसको थोड़ा सा डेवलपमेंट करना है थोड़ा एक्सरसाइज में डेवलपमेंट करना है हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा रहना है इनको अप्रैल तक और अप्रैल के बाद ऐसे भी इनका आदत रहता है एक बार एक बार कोई चीज फॉलो करते तो रेगुलर करते हैं थोड़ा बहुत गैप गिरता है वो इस बार ज्यादा गिरना चालू होता है अप्रैल के पहले और अप्रैल के बाद वो गैप नहीं गिरेगा और इनको रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए गलत चीज बहस करना ये करना अप्रैल तक ताले तो उसके बाद अपने आप इनका रेस्पेक्ट बढ़ता है ये इंपॉर्टेंट इनको, इनको इनको गलतियां दिखाना अच्छा नहीं लगता ये ध्यान रखो ये नेचर है नेचर के हिसाब से उन राशियों को क्या फल मिल रहा है और उन ग्रहों के हिसाब से गोचर के ग्रहों के हिसाब से इनको क्या फल मिल रहा है तो यहाँ पे शनि बैठा है लग्न में सप्तम स्थान में इनके तो लग्न को देख रहे तो डिस्ट्रैक्ट करता है क्योंकि सिंह राशि का शत्रु होता है बुरा उच्च का हो जाता है ऐसे तो शनि सातवें घर में बैठने से तो वो इसलिए वो बुरा तो फल नहीं दे सकता लेकिन फिर भी आपका आयम समय मैं मैं सब जानता हूं ये डिलीट कर देना है सीखना है लड़ना सिंह राशि का फिर भी शुक्र के बाद इज वेरी गुड अप्रिल के पहले अलर्ट रहना है और कन्या राशि कन्या राशि में क्या है कि गुरु का बल अभी तो अच्छा है अप्रैल तक तो शनि श्रेष्ठ स्थान में जाते तो शत्रु तो खत्म हो जाएंगे फिर भी आगे जाके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कन्या राशि को आ सकता है क्योंकि गुरु और राहु दोनों अष्टम में रहेंगे और अप्रैल से लेके आगे जो पूरा साल जाएगा वो एकदम टफ रहेगा इनके लिए तो ये लोग एक्सपेक्टेशंस और प्री जजमेंट नहीं करना है और एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है और ये दोनों चीजें अगर इन्होंने बढ़ा दी तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट में फंस जाएंगे और कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में काम नहीं करना है आफ्टर अप्रैल के बाद अप्रैल के पहले अच्छा है अभी सिंह राशि का भी सेम है जैसे मैंने बताया आपको मंथ नहीं बताया था उसमें तो मैं मंथ बता रहा हूँ इसमें भी अप्रैल अगस्त और सप् दिसंबर फर्स्ट वीक आपको ध्यान रखना है और इसमें कन्या राशि में सेम जो हमारे अग्नि तत्व जल तत्व वायु तत्व और पृथ्वी अग्नि जल वायु पृथ्वी इन चारों को याद रखना है तो मेष राशि अग्नि तत्व में आती है सिंह राशि अग्नि तत्व में आती है दोनों राशि अग्नि तत्व में आती है तो इनके अंदर मेष सिंह धनु में जो है ना तो मोर देन जो मैंने बताया आपको अप्रैल अगस्त और दिसंबर चार अगर इन महीनों में फर्स्ट वीक में ज़्यादा असर होता है और इसमें चर राशि मेष है तो मेष को अप्रैल में मार्च के एंडिंग से स्टार्ट होता है चर होता है जो साथ में उनका एडवांस में चालू होता है स्थिर होता है उनका एंड में चालू होता है और जो दिन होता है वो सेंटर में चालू होता है उनको प्रॉब्लम्स तो उसको ध्यान रखना है आपको मैं बहुत सिंपल समझा रहा हूँ आपको कुछ भी क्यूरीज रहेगी आप बाद में हमसे बात कर सकते हैं ये कन्या राशि का बता रहा हूँ मैं कन्या राशि में भी सेम आता है प्रति तत्व होती है तो हमने वृषभ राशि का जो नहीं लिया था वही सिस्टम वही मत आएगा लेकिन इसमें आपको स्टार्ट और मैंने जो बताया अग्नि का चर राशि तो आएगा तो स्टार्ट होगा और सिर आएगा तो लास्ट में रहेगा और दी से बार होगा तो सेंटर में रहेगा ये सितंबर, जनवरी और अप्रैल मई में मई महीने में, में इनका फर्स्ट वीक में प्रॉब्लम रहता है क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ कि सूर्य बल उस टाइम पे इनका चार आठ बारह से गुजरता है और गुरु और राहु खराब है तो कन्या राशि अलर्ट इन इन महीनों में कोई भी हेल्थ इश्यू हो गया उसके लिए बहुत ज्यादा केयर रहना है क्योंकि शनि भी छठे घर में दिखा रहा है तो ज़्यादा आपको रिस्क लेना नहीं है इसमें ये ध्यान रखना है और तुला राशि का हम देखेंगे तुला राशि में क्या है कि गुरु अभी भी अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा ये साल तुला राशि का गुरु छठे घर में रहने से रोग बहुत सारे बोलते ना तुला राशि मिथुन राशि और कुंभ राशि को ज्यादा करके वायु तत्व की राशि में से जैसे ड्राई करता है तो इन लोगों को ज़्यादा करके स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं ये राशियों को मिथुन तुला तुलाकुम वालों को और इसी से वो इरेटेड होते हैं इसलिए अभी छठीगढ़ से सीधा जा रहा है वो सप्तम स्थान में तो गुरु यहाँ पे अच्छा फल देगा गुरु बल अच्छा है और शनि भी इनका अच्छा है क्योंकि अभी तक इनकी छोटी पनौती जा रही थी वो खत्म हो जाए और उसके बाद शनि पंचम में जा रहा है वो भी अच्छा है यहाँ पे और राहु यहाँ पे सप्तम में बैठा है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा केयर रहना है इन लोगों को बाकी सभी कुछ अच्छा है डाउट्स नेचर इनको नहीं आना चाहिए वैवाहिक जीवन में बस इतना ही तो उसके बाद हम देखेंगे वृश्चिक राशि इनका भी हम देखेंगे तुला राशि का तो वही अक्टूबर का फर्स्ट वीक और उसके बाद फेब्रवरी का फर्स्ट वीक और जून का फर्स्ट वीक ये इनको प्रॉब्लम करता है जुलाई का फर्स्ट वीक चार चार महीने का गैप होता है सूर्य जब आ, तुला राशि से कन्या राशि में और मकर राशि में और वृषभ राशि में जाता है उसके पंद्रह दिन के बाद असर ज़्यादा करता है क्योंकि तो मिडल में उसका पावर ज़्यादा होता है दस डिग्री तक छोटा रहता है बीस डिग्री तक कम होता है तो इसमें जो पॉइंट्स आप काउंट करके आपके पास उस टाइम उनके चंद्र का गोचर खराब जिसका है वही आपके पास लोग आएंगे अभी ये साल आपको सुन जो में सिंह धनु वाले ज़्यादा आए हैं आपको ऑलरेडी आए लेकिन अभी आप आँख में आएंगे वृषभ कन्या मकर वाले आएंगे ये साल मई के बाद तो उन राशियों को एक गुरुबल का मतलब क्या कि एक अपने को कोई सपोर्टर नहीं रहता इसलिए गुरुबल नहीं मिलता एक मेंटर चाहिए उसको उस मेंटर को सही जा, जानकारी देने वाला चाहिए हमको पता है कि चार छह महीना हमको पता रहना चाहिए कि चार छह महीना इनका तकलीफ का समय साल भर का तकलीफ का समय तो हमको संभाल के लेके जाना है ऐसा बुरा है इसको बोल के बुरा नहीं करना है उसको उसको तो संभालना है कि भाई तुमको इन इन चीजों को थोड़ा रहना है सेफ रहना है ऐसा आ भी गया तो प्रसंग को उसको धीर देना है ये गुरु का काम होता है इसलिए तो गुरु बोल नहीं बोलते शनि का काम क्या है साढ़े सात मिनट शनि सेवक है तो ज्यादा उसको हार्डवर्क करने के लिए प्रोत्साहन करो उसको प्रिपेयर करो माइंड से राहु बोल के अचानक कोई निर्णय पे चला जाना गलत आदतों में लेके जाना या गलत तरीके से काम करना ये राहु का डिफिनेशन है तो हम क्या देखते हैं कि कौन से ग्रह से क्या हो रहा है तो हमको ध्यान देना है तो यहाँ पे तुला राशि के इज वेरी वेरी, वेरी गुड ये साल अप्रैल आफ्टर बहुत अच्छा है हेल्थ वाइज भी तो और अच्छा रहेगा हम ऋचिक राशि की तरफ जाएंगे वृचिक राशि में भी गुरु बहुत अच्छा है और राहु भी बहुत अच्छा है लेकिन शनि जो है ना चौथे घर में आ गए अभी वृच्चिक राशि वाले आ गए तो इनको बोलो आलस मत करो इनको डाउ उनको प्रोत्साहन दो क्योंकि छोटी पनौती चार हो गई बैड कुछ नहीं होगा लेकिन ये स्लोर स्लोअर हो जाते हैं और इसमें क्या है कि जैसे हम नवंबर का फर्स्ट वीक हो गया मार्च का या जुलाई का जो फर्स्ट वीक हो गया ये इन लोगों के लिए प्रॉब्लम रहता है उच्चिका चलो में तो वहाँ पे इनको ध्यान देना है कोई भी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है कि हम लापरवाह नहीं बनना है जो काम है वो काम क्लियर करना है ये वो स्टबन रहते हैं इसके लिए इनके लिए एक बार वो काम करना है तो काम करके ही रहते हैं लेकिन इस टाइम पे नेगेटिव वर्क चल रहा है तो थोड़ा संभल के वो काम करो यार चैलेंजेस में मत जाओ चैलेंज इज वेरी प्रॉब्लम इन इनिक राशि हाँ कुछ अच्छा काम करने के लिए चैलेंज में जा रहे हो तो टाइम के बाद सफलता मिलती है लेकिन ये जीत के रहते हैं हारते नहीं ये बुरा काम कर रहे तो ये जीत के भी हार जाते हैं यानी नाम तो रहेगा लेकिन कुख्यात रहेगा विख्यात भी रहेगा देखो जितनी भी आप हिस्ट्री में जाएंगे तो जो रुचिक लगने वाले लोग हैं वो कुख्यात है विख्यात रहते मैं नाम नहीं लेना चाहता बहुत टॉपिक लंबा हो जाएगा आ, लेकिन धनु राशि का भी हम सोचेंगे क्या है कि राशि का गुरु बल अभी वीक है धनु राशि इज वेरी स्ट्रॉन्ग साढ़े सती खत्म हो रही है इनकी साढ़े सती खत्म हो रही है तो भी अभी भी अभी भी आज के तारीख में भी मैंने आज के दिन भी सब जो है ना सत्रह तारीख जनवरी तक जो है ना इनको इश्यू होगा ही और अप्रैल तक ये नहीं खत्म होगा अप्रैल के बाद इनकी साढ़े सती का असर कम लगेगा इनको और गुरु बल भी खराब होता है वो भी अच्छा हो जाएगा राहु अच्छा बैठा है राहु पंचम स्थान में बुरा काम नहीं करता इतना हाँ थोड़ा सा इंटरटेनमेंट या जो फ्रीडम चाहिए वो नहीं देता बस इतना ही या अलग तरीके से वो टाइम वेस्ट कराता है लेकिन गुड है फिर भी बैड नहीं लेकिन यहाँ पे आपको अप्रैल तक आपको सतर्क रहना है और अप्रैल के बाद जो जा रहा है आने वाला साल वो बहुत बढ़िया रहेगा बहुत लाइफ अच्छी रहेगी आपको बोलते ना पिंजरे में से बाहर आप खुले आसमान की तरफ जा रहे हैं बस कोई भी जोश में आके कोई काम मत करो धीरे धीरे उसको पकड़ मजबूत करते इतना मैं कहूँगा धनुराशि के लिए उसके बाद क्या है धनुराशियों की खासियत क्या है कि इनको आ, कोई गलत बोलेगा ना तो पसंद नहीं आता ये ध्यान रखो आप इनकी गलतियां कभी नहीं दिखानी है एक एस्ट्रोलॉजर को या कोई परिवार वाले व्यक्ति भी इनको गलतियां दिखाते हैं तो ये कभी चुप बैठेंगे नहीं ये आवाज उठाएंगे चाहे कोई भी हो कितना भी रेस्पेक्टफुल आदमी हो वो नहीं है डरेंगे डर दर इनके अंदर नहीं रहता अभी मकर राशि का लेंगे हम मकर राशि में क्या है कि इसमें शनि की साढ़े सती का आखिरी पड़ाव चालू हो जाता है लेकिन गुरु अप्रैल तक बहुत बढ़िया है लेकिन अप्रैल के बाद गुरु की भी खराब होती है और राहु भी खराब होता है सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट मकर राशि पे कन्या राशि पे हो रहा है और उसमें मकर राशि के साढ़े साथ ही लोग बोलते हैं कि अभी हमारा लास्ट साढ़े साथ ही पाए देखा जाएगा अच्छा जाएगा नहीं ये जोश में मत रहिए क्योंकि सपोर्ट में आपका मेंटर जो गुरु है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है आपका राहू जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा इश्यू कर देगा और स्पेशली वो बोलते ना जनवरी में ही आने नेक्स्ट ईयर जनवरी में समझो या ये साल आपके अप्रैल महीने में या अगस्त महीने में अगस्त में सबसे ज्यादा धक्का लगेगा बहुत ज्यादा तो उसको ध्यान रखो और अप्रैल महीने में, में भी धक्का लगेगा लेकिन अप्रैल में असर कम रहेगा क्योंकि फेवर में रहता है रहेगायरफुलशि तो इज इज वेरी और एंड इस वेरी केयरफुल केयरफुल और एंड इन मकर राशि तो यहाँ पे आप इरिटेड बिल्कुल नहीं होना है थोड़ा सा इस साल को आपको संभाल अप्रैल के बाद भी संभाल के जाना है एक साल तक फिर आपका लाइफ में चेंजेस आएगा फिर हम अगले साल बात करेंगे आपको कि कैसे अगले साल जाएगा क्योंकि मकर राशि ये साल अप्रैल के बाद बहुत केयरफुल रहना है हेल्थ वाइज वेरी इंपॉर्टेंट अगर दशाएं मार्केश की चल रही है रोगेश की चल रही है तो हंड्रेड परसेंट वहाँ पे झटका लगेगा थोड़ा शांति से काम करो और स्टेट पॉड बोलना मत करो जंगल में जो सीधे झाड़ होते हैं वही काटे जाते हैं इसलिए आप सीधा बोलते हैं और आप बुरे बनते हैं ये समझ के जवाब सीधा सही बोल रहे लेकिन समझ के बोलो कुंभ राशि की तरफ जाएंगे कुंभ राशि में क्या होता है कि में सती तो का इतना नहीं गिरेगा। ये लोग ऐसे भी कुंभ वाले बहुत ही एनालिसिस प्रसन्न रहते हैं आ, कोई भी चीज में झट से आंसर नहीं देते ये लोग तो ये ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है फिर भी इनको डिले वर्ड डिले नहीं करना चाहिए और जो काम की जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए कुंभ राशि वालों ये जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो ये थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं बस इतना कहूँ इनके और उसके बाद आएगा मीन राशि मीन राशि में क्या होता है कि इनकी साढ़े साथी चालू हो रही है राहु इनका धनस्थान में बैठा है तो इतना अच्छा फल नहीं देता राहु क्या है दो चार आठ में ज्यादा खराब फल देता है बारह में कम फल देता है उसके बाद पांच में उससे कम देता है और सबसे ज्यादा अच्छा फल देता है तीन ग्यारह नौ और एक में सिमिलर होता है कट्टरपंथी बनते हैं नौ में ज्यादा करके कट्टरपंथी बनते हैं जिस चीज में रहेंगे जिस लीडरशिप में रहेंगे जिस कास्ट में रहेंगे जिस समाज में रहेंगे उसमें उनके अंदर एक कट्टरपना रहता है और विपरीत रहेगा तो कट्टरपंथ ज्यादा बनता है इसलिए कट्टरपंथी नहीं बनना चाहिए इसलिए भाग्य स्थान में लग्न स्थान में पंचम स्थान में राहु को दोष माना गया है क्योंकि एक चीज को पकड़ के बैठेगा वो किसी को नहीं देखेगा वो के। तो मीन राशि की साढ़े सती पहले साढ़े सती का पहला साल जो है वो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा तो आपको खाली इतना ही करना है कि आप आज करे सो अभी कर ये वर्ष लेके निकलेंगे और मेरे को सब लोग पूछ के करे ये वर्ड्स आपको डिलीट करना है यानी मेरे को मैं मैं इस फैमिली का मेंबर हूं मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ मैं इस सोसाइटी का मेंबर हूं मैं जो हूँ मेरे को इन्होंने क्यों नहीं पूछा मेरे को क्यों इन्होंने इग्नोर किया ये वर्ड्स को डिलीट करेंगे तो वो लोग उनकी साढ़े साथी में असर कम होगा और ये साल इनका बहुत बढ़िया जाएगा ये मेरा सिस्टम समझाने का है कि हर राशि का जो ग्रह मेजर चार ग्रह बाकी तो छोटे छोटे चंद्र क्या है मंगल है बुध है शुक्र है ये जो पांच ग्रह बाकी के हैं चार ये राहु केतु शनि गुरु चार बड़े हैं पांच छोटे हैं ये पांच उनके अंदर कैसे कि इम्पैक्ट करते हैं वो डिपेंड उसकी पर्सनल कुंडली पे करता है और उनकी दशाओं पे करते हैं लेकिन मेजर इंपैक्ट गुरु शनि राहु केतु के हिसाब से उनके मन के भाव के ऊपर करता ही है तो यहाँ पे मैंने जो वर्ड बोला कि सतर्क कब कौन से राशियों को रहना है और गेन किसको ने बहुत आगे बढ़ के सक्सेस मिलेगा वो भी बता दिया आप कभी किसी को आधा आधा है किसी को पूरा भी है किसी को नहीं भी है तो वो ध्यान देना है इतना कह के मैंने आज आपका आ, बोलता ना ये जानकारी दे के मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ सभी ये हमारे जो सप्तऋषि के जो सुनील सर है अमित कामदार है और बाकी सभी हमारे ग्रुप को तो धन्यवाद कहता हूँ कि मेरा ये छोटी सी जानकारी देने के लिए उन्होंने मुझे आज बुलाया यहाँ पे और सभी लोग इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान दे सीखो इस वीडियो को एक या दो बार देख लो या तीन बार देख लो जिससे आपको अच्छे से कभी प्रैक्टिकल में आप किसी को समझाएंगे तो आप पकड़ पाएंगे कि गोचर में ही हम कितना कुछ हम जानकारी दे सकते हैं दशाएं तो दूर की बात है ये वा राशि वाला आया है तो ये प्रॉब्लम वाली राशि वाला है क्या ये सक्सेस वाली राशि वाला है कि सक्सेस जान की तरफ जाने वाला है कि प्रॉब्लम की तरफ जाने वाला है ये जानकारी इसमें बहुत अच्छे से मिलती है आप इसका पूरा फायदा लीजिए इतना कह के मैं नमस्ते धन्यवाद सबको